अब जब घर छोड़कर आए तो शास्त्र कहते हैं कि इस भजन राज्य का, इस परमार्थिक राज्य का जो मूल आधार है वो है शरणागति। शरणागति के बिना हरि भजन जो है वो ऐसे है जैसे बिना आत्मा के शरीर। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने 26 गुण बताए वैष्णवों के, जिसमें से 25 गुण तटस्थ है मतलब गौण है और एक गुण स्वरूप लक्षण है। क्या है? कृष्ण एक शरणता, शरणागति। ये भजन राज्य का आधार भी है और इसका सर्वोच्च शिखर भी है, अर्थात शरणागति इस भजन राज्य का प्राण है। भगवान ने गीता में क्या उपदेश दिया है? इस आत्म तत्व को जानने का जो मार्ग है, जो इसकी विधि है, भगवान क्या बतला रहे हैं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना सतत्वदर्शिना। अगर तुम इस ज्ञान को जानना चाहते हो तो क्या करो? तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब शरणागति। सबसे पहला शब्द देखो भगवान ने क्या बतलाया, शरणागति। भागवत पर आ जाओ, भागवत में भगवान क्या बतला रहे? तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इस उत्तम श्रेय को यदि जानना चाहते हो तो तस्मात गुरुम प्रपद्येत, गुरु प्रपद्येत मतलब शरणागत हो जाओ गुरु के चरणों में। शरणागति इस भजन राज्य का प्राण स्वरूप है। किंतु हमारे गुरु जी कहते थे शरणागत तो पांडव भी थे, पांडव भी तो शरणागत थे भगवान के, शरणागत तो रुक्मणी देवी भी थी, शरणागत तो द्रौपदी देवी भी थी, शरणागत तो वो गजराज भी हुए, वो हाथी जिनका मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और भगवान ने आकर उनका वध कर दिया, शरणागत तो वो भी थे। किंतु गुरु जी कहते थे ब्रजवासियों की शरणागति का, विशेषकर ब्रज गोपियों की शरणागति का एक वैशिष्ट्य है, वो क्या है? ये जितने भी शरणागत हुए भगवान के चरणों में, इनकी शरणागति में कहीं ना कहीं स्वसुख की वासना थी। भाई द्रौपदी देवी कष्ट में आई तो भगवान के शरणागत हुई, पांडव लोग कष्ट में आए तो भगवान के शरणागत हुए, शरणागत हुए भगवान को उनकी खूब सहायता करनी पड़ी। किंतु ब्रज गोपियां जो भगवान के चरणों में शरणागत हुई, उन्होंने क्या कहा गोपी गीत में? सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका, हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। अशुल्क मतलब हम आपके शरणागत हुई आपकी सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। आप हमसे प्रीति करो, हमसे प्रीति मत करो, हम तो आपके शरणागत हैं, आपकी सेवा करेंगी करेंगी। ये गौड़ीय वैष्णवों की शरणागति का यही वैशिष्ट्य है, ये शरणागति का एक विशेष वैशिष्ट्य है। गुरु पाद पद्म के जीवन में देखो, सुनी होगी आप लोगों ने कथा, शरणागत हुए अपने गुरु के चरणों में। कथा बतलाते हैं ना, एक दिन हमारे परम गुरु जी अपने गुरु भाई सनातन प्रभु, सनातन प्रभु को जानते हैं, शिला भक्तिविदान स्वामी महाराज जी के साथ जिनका संन्यास हुआ एक साथ, मथुरा मठ में फोटो देखी होगी आप लोगों ने, नाम हुआ मुनि महाराज, भक्तिविदान्त मुनि महाराज, उनके साथ हमारे परम गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी निकट में बैठकर हरिनाम कर रहे हैं। परम गुरु जी हरिनाम करते करते गुरु जी से कहने लगे कि मैंने बहुत सारे उत्तर भारतीय भक्तों को देखा है, जो महाप्रभु के जो भाव है, विशेषकर जो ये प्रेम तत्व है, इसको समझ नहीं पाते, हृदयंगम नहीं कर पाते। और परम गुरु जी कह रहे हमारे रूप सनातन गोस्वामी बहुत समय उत्तर भारत में रहे, मतलब ब्रज में रहे, ब्रज उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र है, किंतु परम गुरु जी कहते हैं उनको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला हिंदी भाषी जो महाप्रभु के विचारों को और विशेष करके इस प्रेम तत्व को समझ सके। किंतु आप हमारे गुरु जी के लिए कह रहे आप महाप्रभु के विचारों को और इस प्रेम तत्व को, राधा जी के भावों को बड़ी सरलता से हृदयंगम कर लेते हो, इसलिए मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको संन्यास दे दूं। देखो हमारी पूरी गुरु परंपरा को देख लो, एक भी हिंदी भाषी आचार्य नहीं है केवल गुरुजी को छोड़कर। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि गुरुजी परम गुरुजी प्रभुपाद और महाप्रभु की इच्छा से हिंदी भाषी क्षेत्र में गुरुजी आविर्भूत हुए। जैसे महाप्रभु ने अपने भक्तों को विशेष विशेष स्थानों पर आविर्भूत कराया ना अपनी वाणी के प्रचार के लिए, ऐसे ही गुरुजी को आविर्भूत कराया हिंदी भाषी क्षेत्र में। अब जब परम गुरुजी ने बात कही तो गुरुजी की शरणागति का वैशिष्ट्य देखिए, परम गुरुजी जिसको सुनकर स्तब्ध हो गए, दंग रह गए। गुरुजी ने क्या उत्तर दिया? मैंने अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है, मैंने अपनी मैया का प्यार, पिता का स्नेह, पत्नी का जो स्नेह प्रीति है, अपने बंधु बांधवों का जो बंधुत्व है, अपने सखाओं की जो प्रीति है, सब कुछ वहां से खींचा और आपके चरणों में दे दिया। मैं अब आपका हो गया हूं, आप मुझे नंगा रखो, मुझे लंगोटी पहनाओ, मुझे लाल वस्त्र दो, सादे वस्त्र दो, जैसा आपकी खुशी, जैसी आपकी प्रसन्नता, वैसा आप मुझे रखो, मैं तो आपके शरणागत हो गया। कैसा सुंदर वैशिष्ट है शरणागति का। शिला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं शरणागत के लक्षण क्या है? शिला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं तोमार इच्छा है अमार इच्छा मिशाइनु, ये शरणागत का लक्षण है। जीव भगवान के शरणागत होगा, गोपियां शरणागत हुई भगवान के, कैसे शरणागत हुई? तुम्हार इच्छा है हमारी इच्छा में शाइनो, आपकी इच्छा में हमने अपनी सारी इच्छाओं को मिला दिया, अब हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं है, ये शरणागति का वैशिष्ट है। ये गुरुपाद पद्म के जीवन में दिखाई देता है कैसी सुंदर शरणागति है। और केवल इतना ही नहीं, इसका वैशिष्ट और भी बहुत है। शिला भक्तिविनोद ठाकुर एक कीर्तन में बतलाते हैं
शरणागत के क्या लक्षण है। शरणागत के जो लक्षण है शिला भक्तिनाथ ठाकुर बतलाते, कहते पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने आमित तोमार तुमी तामार की का जपर धने। विचार करके देखोगे एक एक उपदेश कितने सुंदर रूप में इन महापुरुष के जीवन में मूर्तिमान हो रखा है। ऐसा लगेगा एक एक उपदेश जैसे स्वयं आचरण जो होता है ना, जिसको आचरण को कहते हैं, वो मूर्तिमान हो गया हो। कहते पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, मैं अपना सारा पूर्व इतिहास भूल जाऊंगा आपके चरणों में शरणागत होकर। गुरुजी के जीवन में देखो, अभी बतला रहे ना, मैं अब आपका हो गया। पूर्व इतिहास में किसी उच्च ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, बहुत अच्छी मेरी नौकरी थी, बहुत अच्छा मैं पढ़ा लिखा था, सब कुछ भूल गए। पूर्व इतिहास सब कुछ भूल गए, पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने, परम गुरुजी की सेवा रूपी सुख को प्राप्त किया, सब कुछ इतिहास भूल गए। और आमित तोमार तुम्हें तामार, प्रभु मैं अब आपका हो गया, अब आप मेरे आराध्य हो गए, अब की काज अपर धने, जिस अवस्था में रखेंगे मैं उस अवस्था में सुखी रहूंगा। आगे क्या कहते हैं इस कीर्तन में शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने शरणागतों के बड़े सुंदर सुंदर लक्षण बतलाए हैं। आगे कीर्तन में क्या कहते हैं, तोमार संसारे करी वो सेवन नहीं वो फलेर भागी। मैं आपके संसार का सेवन करूंगा, आपके शरणागत हो गया, आपकी सेवा करूंगा, किंतु फल का भागी नहीं बनूंगा। हम लोग तो अभी शरणागत भी नहीं हुए, हफ्ते में एक बार मठ में आएंगे संडे के दिन, और यदि प्रसाद ना मिले ना, यदि प्रसाद खत्म हो जाए तो 10 बार गालियां निकाल कर जाएंगे, ये प्रभु बड़ा दुष्ट है, हमको तो पनीर की सब्जी नहीं देता। किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी फल के भागी कैसे बनेंगे। यदि थोड़ी सी सेवा कर देना, प्रसाद परिवेशन कर दे कार्तिक मास में, और फिर देखो रसगुल्ला नहीं मिले लोगों को, तो फिर कैसे रुष्ट हो जाएंगे। सारा दिन तो लगाए रखा, रसगुल्ला भी नहीं देते, आगे से सेवा नहीं करेंगे। फल के भागी सेवा करने से पहले अपने फल के भागों को पहले से हृदय में जमा कर लेंगे, हाँ ये तो मिलना ही चाहिए भाई, हमने सब्जियां मनिया की है तो ये सब्जी हमें जरूर मिलनी चाहिए। किंतु शरणागत के लक्षण क्या है, तुम्हार संसारे करी वो सेवन नहीं वो फलेर भागी, फल का भागी नहीं बनूंगा। हमारे परम गुरु जी की इच्छा थी 3 आचार्य बनाने की, श्री बावन गोस्वामी महाराज जी को, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को और हमारे गुरु जी को, 3 आचार्य बनाने की इच्छा थी हमारे परम गुरु जी की। जब यह प्रस्ताव हमारे गुरु जी के निकट में आया तो गुरु जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरु जी की भाषा में बतला रहा हूं, वो कहते बावन महाराज मुझसे ज्येष्ठ मुझसे बड़े हैं, आप ये दायित्व उनको दे दो। अगर आप ये दायित्व मुझे देंगे, यदि मुझे आचार्य पद दे भी देंगे, तो भी मैं अपना सब कुछ बावन महाराज के चरणों में सौंप दूंगा। फल के भागी हुए, यहां तो परम गुरु जी फल दे रहे हैं, गुरु जी फल ले रहे हैं, फल के भागी बने। परम गुरु जी फल दे रहे हैं, किंतु गुरु जी क्या कह रहे हैं, मैं उस आचार्य पद को देने पर भी बावन महाराज के चरणों में सौंप दूंगा। ये शरणागत का लक्षण है, नहीं वो फलेर भागी। और तब सुख चाहे करी वो जतन, होय पदे अनुरागी। आपके सुख के लिए मैं सारे जतन करूंगा। परम गुरु जी की इच्छा थी, मथुरा मठ स्थापित किया, भागवत पत्रिका शिला प्रभुपाद जी के समय में जो छपती थी वो बंद हो गई। परम गुरु जी की इच्छा थी ये भागवत पत्रिका का पुनः प्रकाशन हो। हम लोग भागवत पत्रिका की छोटी सी सेवा करते हैं, और आजकल इतने साधन हैं, चटपट टाइप कर दो, दिल्ली से ही सब कुछ भेज दो, ना प्रेस में जाने की जरूरत ना कहीं जाने की जरूरत, इतने साधन हैं, और कई सारे लोग काम करते हैं, तब भी उसमें नाना प्रकार की त्रुटियां दिखाई देती हैं। और जब गुरुजी ने कार्य आरंभ किया, साधन तो कुछ था ही नहीं, हाथ से सब कुछ जमा करना पड़ता था। 25-20 वर्ष तक गुरुजी ने अकेले इस पत्रिका का संपादन किया, कितना कष्ट करके प्रूफ संशोधन करना, लेखों को छापना, लेखों को लिखना। केवल परम गुरु जी की इच्छा थी कि प्रभुपाद जी की हिंदी पत्रिका जो है वो पुनः प्रकाशित होनी चाहिए। मथुरा में कैसे प्रचार किया कल्पना नहीं कर सकते। मथुरा मठ में लोगों की ये धारणा थी कि ये बंगाली लोगों का मठ है, यहाँ पर जाओगे तो काला जादू कर देंगे। गुरुजी ने अपने सहज सरल व्यवहार से, अपने आदर्श चरित्र से, और कैसे प्रचार करने जाते थे, लोगों से कहते थे हम तुम्हारे घर में आएंगे, प्रसाद मत देना, दरी भी अपने मठ से लेकर आएंगे बिछाने के लिए, तुम अगर जल दे सकते हो तो केवल जल दे देना। और 2-2 घंटा 3-3 घंटा कथा कीर्तन करके पैदल लौट कर आते थे वहां से, ब्रह्मचारियों के साथ कीर्तन करते करते मठ तक। जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी पैदल जाते थे मधुवन तक। हम लोग वृंदावन की 1.5 घंटे परिक्रमा कर लें तो अवस्था खराब हो जाती है। कैसे परिक्रमा, कैसे परिश्रम किया प्रचार के लिए। परम गुरु जी की जो इच्छा थी ना, हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रचार होना चाहिए, अपने प्राण तक समर्पित करके उन्होंने परम गुरु जी की सब इच्छाओं को पूरा किया। जो शिला भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ना, सब चेष्टा करे तब इच्छा मत, तो सारी चेष्टा करूंगा आपकी इच्छा के अनुसार, पृथक मेरी कोई चेष्टा नहीं है। ये शरणागत के लक्षण है। एक एक उपदेश जो है वो गुरु जी के जीवन में देखो कितने सुंदर रूप में मूर्तिमान है।